अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदेद। तो फिर आज एक नया दिन और वही हमारी डेली रूटीन। तो नाश्ता हो गया है, हम लोगों का नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है ना खाना बना लेती हूँ, इससे पहले गैस चली जाए। मगर मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकी, जाहिर सी बात है, गैस की कोई टाइमिंग नहीं है। कभी 12 बजे चली जाती है, कभी 12:30 बजे, कभी 1:15 बजे। तो डेली जो है ना, मैं ताहा को लंच नहीं दे सकती क्योंकि मैं नाश्ता ही बना रही होती हूँ जब तक गैस चली जाती है। अब जब गैस चली जा रही है तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँ दो चीज़ों को एक साथ, और खाना बनने में भी टाइम लगता है। तो फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आज कि मैं टाइम से पहले सारी चीज़ों से, पकाने वाले सारे काम से फारिग हो जाऊँ, मगर मैं नहीं जीत सकी, इसलिए कि आज टाइम से पहले ही गैस चली गई। तो अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने ये देखें जिद्दोजहद करके जो है ना, मैंने ये तहरी बनाने वाली थी मैं, और ये मैंने ना मसाला तैयार कर लिया था। बस मैंने चावल ही डालने थे इसमें कि गैस चली गई। तो खैर, अब जब गैस आएगी तो फटाफट चावल डाल के इसको बना लेना तहरी। और ये मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए आलू को बॉईल किया था, और ये तो तकरीबन हो ही चुके हैं। ये देखें, ये इसको भी करना है मैंने अभी नहीं, शाम में दूंगी। अफान के लिए मैंने आलू बॉईल किया था। अफान खाने पीने के मामले में बहुत तंग करता है, और ये बर्तन कुछ धुले हैं, कुछ रह गए हैं, और ये काम अभी मेरा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि मैं नाश्ता देने में लग गई थी सबको। मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग भी बनाती जाऊँ। और एक आज का दिन जो है ना, एक उदास वाला दिन है, एक उदास सी कैफियत है। मौसम भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ है, ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ आपको पता है, आप सबको ही मालूम है कि उदासी का सबब क्या है और उदासी क्यों है और मौसम क्यों उदास हो रहा है, और कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है कि बस काश हम भी हमारे जो मुल्क के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ, जिनका कत्ल हुआ है अभी, आज उनकी नमाज जनाजा है, तो अगर मेरे बस में होता तो काश मैं भी उनके जनाजे में शिरकत करती, उनके घर जाती। और अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना लाए, मगर बस आ जाता है। तो अरशद शरीफ साहब और उनके, मतलब जिस तरह बेदर्दी से उनका कत्ल हुआ, इन सब हम सबको पता है, सबको सब जानते हैं, बेचारे को किस तरह मजबूर करके मुल्क से भगा निकाला गया, फिर वो दरबदर हुए बेचारे। बस जाने की उम्र नहीं थी, मगर बस कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हुरम आ गई है, हुरम को नाश्ता दिया, इतना तंग कर रही है हुरम मुसलसल मुझे नाश्ते में कि मुझे प्याले के अंदर रोटियां तोड़ के दो, जैसे हम मुर्गियों को देते हैं ना। जी हाँ, जैसे हम मुर्गियों को जो भी चाय बच जाती है ना गाइस, तो मैं उसको एक बाउल में डिप करती हूँ, ये देखें, और डिप नहीं करती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा। ये देखें, ये बच्चों ने छोड़ा है, तो अब मैंने इसको ज़ाया नहीं करना, इसको मैंने जो है ना मुर्गियों का खाना बना दिया। ये मैंने, ये चूज़े खा लेते हैं, चाय पराठा है डिप किया हुआ ना, जो अफान और हुरम ने बचाया है, और कुछ रोटी इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ। और बस दोपहर में जैसे ही गैस आएगी तो चावल डल जाएंगे, वो काम भी हो जाएगा मेरा, और नाश्ते से भी फारिग हो गए। और ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ लाइव, हम सुबह से टीवी के आगे बैठे हैं, गाइस ये देखें, और कुछ भी दिल नहीं लग रहा, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना। पता नहीं कब तक हम अपने काबिल सीनियरों से हाथ धोते रहेंगे, और कब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमें, मतलब कि आगे ही बैठे मैं सुबह से, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा आज, कुछ भी नहीं, बस अजीब सी कैफियत है ना गाइस। आज जो है, आज के व्लॉग में मैं एक रेमेडीज शामिल कर रही हूँ, और ये तमाम उन औरतों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो इस मंथ, मतलब उनके यहाँ डिलीवरी हुई है, कोई बेबी आया है, तो ये जच्चा के लिए मैंने एक बहुत ही काम की रेमेडीज, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करना, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और ये जिस चीज़ के लिए है,
वो ये है कि आप इससे पेट नहीं बढ़ेगा। जी हाँ, डिलीवरी के बाद अक्सर औरतों के पेट निकल जाता है, ये हर किसी के साथ है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सीजर हो। तो मैंने सोचा ये चीज़ें मैंने भी ट्राई की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों की खिदमत में भी पेश करती हूँ, शायद इससे किसी को फ़ायदा हो तो मुझे दुआएं मिलेंगी। तो ये देखें आप, ये देखें ये सौंफ है और ये छोटी इलायची है ना, छोटी इलायची है, सौंफ है, और ये बहुत 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 काम की चीज़ है। आप लोग यकीन करें, आप इसे बना के, जो जच्चा भी इसे बना के सवा महीने तक इस्तेमाल करेगी ना, तो वो फिर उसका रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। मगर ये नीम गर्म पानी में पीना है, ये अजवाइन है, देसी अजवाइन है, और ये दालचीनी, ये देखें, ये सब आप सबको पता है, ये सब चीज़ें किचन में होती हैं, स्पेशली मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें आराम से हमारे किचन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये देखें, मैंने अपने मतलब ये तो मैंने अभी इस कप से एक कप पानी बॉयल किया है, गैस अभी स्लो स्लो आ रही है ना, तो एक कप पानी मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब जैसे ये पानी बॉयल होगा तो फिर मैं ये चीज़ें इसमें डालूंगी। तो ये जो है ना, आप इसको बना के एक बॉटल में भर के रख लो, और निहार मुंह आप इसे नीम गरम जैसे जच्चा नीम गरम ही इस्तेमाल करती है कोई भी चीज़ लिक्विड खाने पीने की। तो ये जो है ना, मतलब ठीक ठाक नीम गरम ज़रा लगे, ये आपने निहार मुंह एक गिलास पीना है, और इसको आप बना के एक बॉटल में रखें और गरम पानी में ऐड करें, जैसे हम कावा पीते हैं, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। 3 महीने आप इस्तेमाल करेंगी, आपको इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और ये हमारी जो है ना पुराने ज़माने की नानी दादी और हमारी सास लोग, ये उनका टोटका है, ये मैंने भी यूज़ किया है, और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को, पहले मैं पार्लर में होती थी, मैंने आप लोगों को बताया, मैं पार्लर में जॉब करती थी, तो वहाँ पे भी अक्सर मतलब लड़कियों औरतें आती थी ना, तो जिसके भी मतलब ये मसला होता था कि पेट बढ़ा, तो हम लोग फी सबीलिल्लाह ये टोटका उनको ज़रूर उनसे शेयर करते थे। तो मुझे याद आ गया यार, आज के व्लॉग में आज मैं आपको ये रेमेडीज भी बता देती हूँ, किसी का भी भला हो जाए, किसी की भी दुआएं लग जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरी वॉच करना, और बहुत अच्छे तरीके से ये देख लें आप और समझ लें, और फिर इसके मुझे कमेंट में बताइएगा। 3 महीने इस्तेमाल करना है, ये शर्त है। जी हाँ, तो ये पानी जो है बस उबाल आने ही लगा है, तो मैं ये चीज़ें बिस्मिल्लाह ये देखें तो देती हूँ मैं जोश। ये गैस जो है ना, ये देखें गैस आके ही नहीं दे रही है, फ्लेम पूरा खुला हुआ है हमने। तो खैर ये हो जाए। और गाइस, कराची का मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, दोपहर में इतनी गर्मी हो रही है, और ये गर्मी में हालत देखें आप मेरे चेहरे की, क्या हालत हुई थी, ये बहुत ज़्यादा किचन में हमारे गर्मी है। अभी सर्दी मतलब सर्दियों की आमद है, तो ये हाल है, और आप खुद सोचें यख गर्मी में इस घर में हमारी हालत क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियों से पहले पहले हमने शिफ्टिंग करना है, हमने इरादा कर लिया कि अब हमने इस घर में नहीं बसना और यहाँ से हमने मूव कर जाना है। और ये देखें आप, ये जोश कितनी अच्छी तरीके से इसको जोश देना है। अच्छा, ये पीने में ज़रा सा हिट लगेगा, मगर आपको पीना है। जिन लड़कियों को अपने परवाह होगी ना, तो इस रेमेडीज को ज़रूर करेंगी। जिनको भी फिक्र है कि मेरा मतलब पेट ना बढ़े और वज़न बरकरार रहे, वेट लूज करने के लिए भी आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है भाई, ये तो बहुत कारामत चीज़ है, आप लोग इस्तेमाल करो और इससे फ़ायदे उठाओ। अच्छा जनाब, अब इसको छानना नहीं है, इसको तो एक बॉटल में डालना है, मगर मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये देखें छोटी इलायची, सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें जो ना ज़ाया नहीं करनी है, इसको इसके साथ ही जो है ना एक बॉटल के अंदर सेव कर लेना है, और जब हम इन्हें इस्तेमाल करना है निहार मुंह, तो नीम गर्म पानी में इसको हमने
मिलाकर पीना है। तो कहाँ गया ये चम्मच मेरा, ये देखें गाइस, ये देखें इतना ज़बरदस्त काम करता है, इससे फौरन आपको पसीने छूटेंगे। तो ये मैंने तैयार कर लिया था और वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो गैस भी आ गई है, तो गैस आ गई है तो मैंने फौरन पतीली रख देनी है चूल्हे पे जो मैंने मसाला बना के रखा था, क्योंकि अब चावल डालना है, हस्बैंड का आने का टाइम है, आते ही उनको खाना चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं करते हैं इख्तिताम, और जाते जाते मैं सिर्फ अपने प्यारे प्यारे नामवर सहाफ़ी, पाकिस्तानी सहाफ़ी जिनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है, उनके लिए जो मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये दो लफ्ज़ों में पूरी बात करूंगी कि बिछड़ा वो इस अदा से के हैरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो बस जितना भी हम अफसोस करें कम है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसका नाम पाकिस्तान है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।